नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर स्वागत करते हैं। यह एक अद्भुत अकल्पनीय घटना आकाश में घटित हुई थी 28 अप्रैल 2023 को। आपने अगर देखा होगा तो आपके माइंड में ये जरूर आया होगा, ये हो क्या रहा है सूर्य के साथ। तो इस घटना के बारे में अगर हम एक वर्ड में कहें तो ये क्या कहलाती है? हेलो इफेक्ट। क्या कहलाती है? हेलो इफेक्ट घटना या हेलो प्रभाव। तो इस घटना के बारे में आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। और इसके कुछ की पॉइंट बना रखे हैं, उसके आधार पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा आज का, तो अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। देखिएगा, ये रिंग आपको दिख रही होगी सूर्य के चारों ओर, और ये रिंग क्यों बनती है, कैसे बनती है, और ये आए दिन 365 दिन में कम से कम 100 दिन ऐसा इस धरती के आसपास कभी ना कभी कहीं ना कहीं बनता ही है कि सन हेलो की कंडीशन दिखती है। तो अभी 28 अप्रैल को आपने ये देखा होगा और ये रिंग दिखी थी। तो इसके जो पॉइंट हैं उनको हम देखते हैं। हेलो इफेक्ट क्या है? ये हेलो इफेक्ट तो यह एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, यह एक प्रकाशीय घटना है। क्या है ये? प्रकाशीय घटना है। और जब धरती से सूर्य 22 डिग्री एंगल पर पहुंचता है, 22 डिग्री कोण पर पहुंचता है, तब इस तरह की रिंग बनने के आसार होते हैं। तो याद रखिएगा, अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये है ये जो हेलो इफेक्ट है, यह सिरस या जो क्लाउड हैं, किस प्रकार के? सिरस प्रकार के, उन बादलों के कारण बनता है। इन्हें ही सन हेलो के नाम से जाना जाता है, इन क्लाउड को, या ये सफ़ेद पतले पतले बादल दिखते हैं ना छिछले, वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, इन्हें कहते हैं सिरस प्रकार के बादल, यानी सन हेलो के नाम से भी जानते हैं। और देखिएगा, इन बादलों का जब संपर्क होता है धूल के कणों से, ये जो क्लाउड है सिरस, इन बादलों का जब धूल के कणों से संपर्क होता है तो इन धूल या डस्ट पार्टिकल पर क्या नमी, मॉइस्चर बैठ जाता है या चिपक जाते हैं। तो ये जो कण हैं वो क्रिस्टलीय फॉर्म या प्रिज्म जैसा बिहेवियर करने लगते हैं। कण पर जब नमी चिपक जाती है या बैठ जाती है तो ये कांच जैसे या क्रिस्टल के फॉर्म में दिखने लगते हैं, और ये जब प्रिज्म जैसा कार्य करने लगेंगे तो आपको पता है प्रकाश का विक्षेपण यानी बिखराव होने लगता है। और जब ये प्रकाश का बिखराव या विक्षेपण होगा तो क्या होगा, वो एक अजीब इंद्रधनुष जैसा या प्रकाश के वर्ण हमें अलग अलग रंग दिखेंगे, तो वो एक अलग ऑप्टिकल फिनोमेना जैसा कार्य दिखने लगता है, और सूर्य के चारों ओर एक रिंग क्रिएट हो जाती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये सन है और सन के चारों ओर डस्ट पार्टिकल हैं, और सन के जो चारों डस्ट पार्टिकल हैं इन पर नमी बैठ जाती है जिससे ये क्रिस्टलीय फॉर्म में आ जाते हैं, और यहाँ से प्रकाश का रिफ्लेक्शन करने लगते हैं, और यहाँ हमें एक रिंग जैसा क्रिएट होता है या क्रिएशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं सन हेलो। तो ये आपकी प्रकाश की अद्वितीय अकल्पनीय घटना थी जिसको आपने अभी 28 अप्रैल 2023 को देखा था, पूरा समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा, और ये सन हेलो इफेक्ट का आनंद लिया हो तो कमेंट बॉक्स में इसके एक्सपीरियंस जरूर लिख भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ और स्पेशल प्रैक्टिस सेटों के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।